बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको बेस्ट पावर इंस्टेंट वाटर गीज़र के नेचुरल गैस को एलपीजी करने का तरीका बताएंगे और आपको दिखाएंगे बेस्ट पावर इंस्टेंट वाटर गीज़र की क्वालिटी, और आपको बताएंगे कि अगर आपकी नेचुरल गैस घर पे कम आ रही है या नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपका गीज़र नहीं चल पा रहा, तो आप इसे ख़ुद एलपीजी पे कन्वर्ट करके सिलेंडर पे चला सकते हैं, जो कि एक बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले मैंने एक इंस्टेंट वाटर गीज़र को खोल के रखा हुआ है। ये हमारा चाइना का इंस्टेंट वाटर गीज़र की बॉडी, ये आप देखें, ये हमारा एक इंस्टेंट वाटर गीज़र जिसके मैंने कुछ पेज खोल के रखे हुए हैं, और इसका मैं पूरे का पूरा जेट वाला हिस्सा बाहर निकालूंगा। ये देखें, मैंने इसको ऑलरेडी पहले पेचों को खोल के रखा हुआ है। इसके मैंने पेज पहले ही खोल लिए थे। ये इसका गैस का पोर्शन का पाइप और आउट वाटर की सप्लाई का, और इसके सबसे पहले मैं दिखाऊं जेट कहते किसे हैं और जेट कहाँ पे लगे होते हैं। ये इसके जेट हैं, 1 2 3, और तीन ही जेट इस तरफ लगे हुए हैं। ये जो है इसके 6 जेट हैं, ये जेट लगे हैं ये दूसरी तरफ भी। इनको हम, ये नेचुरल गैस के थे और इसको हम एलपीजी कर रहे हैं, और मैंने कहा चलें आपको वीडियो में दिखा दें कि इसको नेचुरल गैस को एलपीजी कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जो जेट है इसको हम, ये नट की सूरत में बना हुआ है, और ये इसको हम खोल लेंगे। जी, ये हमारा जेट, ये आप देखें, यहाँ से हमने इस जेट को खोला है, और ये इसको यहाँ पे दोबारा दोबारा इसको लगा दिया जाएगा। नाज़रीन, ये था एलपीजी नेचुरल गैस को एलपीजी करने के लिए जेट का इस्तेमाल, और ये आपको जैसे के बता रहे हैं जितने भी नेचुरल के हैं इन्हें हम एलपीजी पे कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये इम्पोर्टेड मेड इन चाइना गीज़र हैं। आपको एक दफ़ा फिर मैं दिखाता चलूँ इसका क्वालिटी प्रोडक्ट की, क्योंकि अब बहुत सी कंपनी लोकल सामान ला के इसको फिटिंग कर रही हैं, जो कि इम्पोर्टेड और लोकल की फिटिंग और उसका जो मेयार है वो बराबर नहीं है। ये इसका जितना पोर्शन है ये पीतल का बना हुआ है, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉइल जो कि इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये बेस्ट पावर के इंस्टेंट वाटर गीज़र में जो टैंकी भी इस्तेमाल की गई है ये यूरो कंपनी की है, और ये एक इम्पोर्टेड चाइनीज़ मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी टैंकी इस्तेमाल की गई है, और ये एक हाई क्वालिटी टैंकी है, और इसका
मेयार है वो भी बुलंद है। ये कॉपर में इस्तेमाल की गई है, इसकी टैंकी कॉपर वायर में है। ये इसका कॉपर का पाइप, और इसमें कोटिंग की जाती है, हीट एलिमिनेटेड हीट कोटिंग होती है, जिसकी वजह से ये इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। ये इसका बर्नर है, इसमें आग जलती है और ये सारा पानी गर्म होता है जी। ये था बेस्ट पावर का इंस्टेंट वाटर गीज़र, जो कि खुला हुआ हमने आपको दिखाया, और इसकी एलपीजी के करने का तरीका भी आपको बताया कि सिर्फ ये जेट चेंज करने से नेचुरल से एलपीजी पे कन्वर्ट हो जाता है। शुक्रिया।